नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रणबांकुरी में आज हम बात करेंगे बहादुर भारतीय सिख पायलट की। दो विश्व युद्धों में जिस भारतीय जाबाज ने ब्रिटेन के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी, आखिरकार ब्रिटेन में उन्हें नवाजे जाने का सिलसिला बना। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख हरदीप सिंह मलिक की। इंग्लैंड के पोर्ट शहर साउथहैम्पटन में एक नए स्मारक का डिजाइन फाइनल कर दिया गया है जो 20वीं सदी के फ्लाइंग सिख हरदीप सिंह मलिक की याद में बनाया जाएगा, जो न केवल बेहतरीन फाइटर पायलट था बल्कि गोल्फ और क्रिकेट की दुनिया में भी खासा दखल रखता था। यही नहीं, इसी सिख को ओरिजिनल फ्लाइंग सिख के तौर पर भी याद किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले पहले विश्व युद्ध के समय यूके के रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के सदस्य बनने वाले हरदीप सिंह मलिक का नाम यादगार होने जा रहा है। वो न केवल पहले भारतीय बल्कि पहले सिख फाइटर पायलट थे जिनकी पगड़ी के मद्देनजर एक खास तरह का हेलमेट भी बनाया गया था। 1917 से 1919 के बीच फाइटर पायलट के तौर पर मलिक की शोहरत सबसे ज्यादा रही और उन्हें जब भी याद किया जाता है तो इसी भूमिका का जिक्र बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इनके अलावा भी मलिक ने कई और अहम उपलब्धियां अपने नाम की थी। 14 साल की उम्र में 1908 में इंग्लैंड पहुंचे मलिक ने 1915 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन पूरा किया तो साथ ही गोल्फ के खेल में ऑक्सफोर्ड ब्लू की हैसियत भी पाई। इसके साथ ही 1914 से 1930 के बीच मलिक क्रिकेट खिलाड़ी रहे। ससेक्स की टीम से मलिक ने 1914 और फिर 1921 में ये खेल खेला था, जबकि बाद में भारत ने 1923 से 1930 के बीच लाहौर टूर्नामेंट में सिखों और हिंदुओं की तरफ से भी वो खेल चुके हैं। पहले वर्ल्ड वॉर में चार भारतीयों ने बतौर पायलट भूमिका निभाई थी जिसमें से केवल दो जीवित बचे थे। बचने वालों में ईसी सेन के अलावा मलिक थे जिन्होंने इतिहास रचा था। विश्व युद्ध खत्म होने तक हवाई लड़ाइयों में कुल 6 जीत का सहरा मलिक के सिर बंधा, जिससे उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब भी हासिल हुआ। असल में मलिक की जिंदगी इतने अनुभवों और मोड़ों का संग्रह थी जिसे दर्ज करना जरूरी था। 91 साल की उम्र में 1985 में आखिरी सांस लेने से पहले के कुछ सालों में मलिक आत्मकथा लिख रहे थे जो वर्ष 2011 में ए लिटिल वर्क ए लिटिल प्ले के नाम से प्रकाशित हुई।